नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज करेंगे हम योग अस्थमा यानी कि दमा के रोग के लिए। पहले भाग में हम सीखेंगे कि अस्थमा क्या होता है, उसके क्या कारण हैं। दूसरे भाग में हम करेंगे योग और तीसरे भाग में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपकी अस्थमा की समस्या को थोड़ा कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर को 24 घंटे यानी कि 24/7 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारी श्वसन प्रणाली जिम्मेदार होती है। हवा अच्छे से हमारे शरीर में अंदर जाए, इसके लिए वायु मार्ग यानी कि एयरवेज बने होते हैं जो कुछ पाइप के समान होते हैं। इनको कहा जाता है ब्रोंकस। अगर आप इस पिक्चर में ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बड़े ब्रोंकस किस तरीके से छोटे छोटे ब्रोंकाई में बदल जाते हैं। बड़ा पाइप छोटे छोटे पाइप्स में बदल जाता है, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर जो हवा आएगी वो अच्छे से हमारे फेफड़ों में फैलेगी और ऑक्सीजन पूरे के पूरे शरीर में प्रवाहित होगी। अब बात करते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अगर किसी भी कारण इन वायु मार्ग, इन एयरवेज में अगर अच्छे से हवा पास ना हो किसी रुकावट के कारण, तो जाहिर है आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाएगी। जितने भी अस्थमा के मरीज होते हैं उनकी एयरवेज यानी कि वायु मार्ग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि आपका शरीर अत्यधिक प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन करता है अगर वातावरण में कोई भी चेंज आ जाए। ये बदलाव मौसम हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है या कई तरीके के एलर्जेंस भी हो सकते हैं। पर हमारे वायु मार्ग में ये रुकावट होती क्यों है? इसके होते हैं तीन मुख्य कारण। पहला कारण होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो वायुमार्ग की दीवारें हैं वो सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं, उनमें इरिटेशन हो जाती है, जिसके कारण आपका जो पाइप है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, उसकी ओपनिंग पतली हो जाएगी। दूसरा कारण होता है म्यूकस, यानी कि आपके एयरवेज में बहुत ज़्यादा बलगम यानी कि म्यूकस बन रहा है, जिसके कारण आपके पाइप ब्लॉक होने लगते हैं। और तीसरा कारण होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको मतलब ब्रोंकाई यानी कि पाइप, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब हुआ सिकुड़ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर आपका ये पाइप है, इसकी जो ओपनिंग है इसके बाहर की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, और संकुचित करने से क्या होगा, आपके पाइप की ओपनिंग और भी ज़्यादा कम हो गई। तो म्यूकस भी है, स्वेलिंग भी है, और ऊपर से आपकी मसल भी टाइट हो रही हैं। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी एयरवेज क्लीन होती हैं, साफ होती हैं, जिससे हवा पूरा अच्छे से अंदर तक प्रवाहित करती है। लेकिन अस्थमा के पेशेंट के जो एयरवेज होते हैं वो ज़्यादातर ब्लॉक्ड रहते हैं इन तीन कारणों की वजह से। नॉर्मल सिचुएशन में जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनका जो पाइप होता है, सूजन और म्यूकस की प्रॉब्लम आपकी हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है यानी कि मांसपेशियां संकुचित भी हो जाती हैं, तब आपको पड़ता है अस्थमा का दौरा, जिसको अटैक कहते हैं। वो सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्योंकि उसमें सांस ले ही नहीं सकते आप, आपका सांस फूलने लगेगा और इमीडिएटली आपको इनहेलर्स लेने पड़ते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, जिनका काम होता है आपकी अंदर की एयरवेज को रिलैक्स करना, मसल्स को रिलैक्स करना, जिससे आपकी ओपनिंग खुल जाती है और इनहेलर लेते ही आपको आराम मिल जाता है, आपको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अस्थमा का होने का जो मेन कारण है वो होता है जेनेटिक्स, जिसका मतलब है आनुवंशिकी, जो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आता है। दूसरा कारण होता है एनवायरमेंटल। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रदूषण और एनवायरमेंट के कारण हवा इतनी गंदी हो चुकी है, जिससे ये जो अस्थमा की बीमारी है इसका जो आंकड़ा है, इसका नंबर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अस्थमा का कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले योग से शुरू करते हैं और फिर बाद में बात करेंगे अपने आहार की भी। ये जितने भी योगासन और प्राणायाम हैं आपको रोजाना खाली पेट करने हैं, हो सके तो सुबह सुबह करें, ज़्यादा फायदा होगा। अगर समय ना मिले तो आप दिन में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितने दिन करना है आपको। मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगी तो 7 दिन के लिए बोलूंगी, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता है तो 4 दिन तो आपको मिनिमम करना ही करना है। मैं 3 आसन आपको कराऊंगी, ये तीनों आसन आपको 3-3 बार रिपीट करने हैं। कैसे करने हैं वो सीखते हैं। सबसे पहला आसन है पारिव्रत सुखासन। बहुत आसान से आसन है, लेकिन इनको अच्छे से करेंगे तो इनका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा।
सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन क्रॉस लेग पोजीशन होती है, इस तरीके से पैरों को फोल्ड कर दें। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ कर कर लेंगे। ये देखिए, सामने बैठेंगे, चेस्ट अपना खुला रखेंगे, कंधे भी एकदम सीधे रहेंगे। दोनों हाथों को ले जाएंगे इस तरीके से पीछे और जो अपना हिप है उसके सामने इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। और अपना चेस्ट ओपन करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा पीछे को झुक गए ये देखिए, पर चेस्ट आपका जितना खुला रहेगा उतना अच्छा है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए चेस्ट ओपनिंग आसना हम सजेस्ट करते हैं, जिसको अनाहता चक्रा बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका ये चक्रा एक्टिवेट रहेगा उतना ही आपकी ये दिक्कतें भी थोड़ी कम होंगी। और दूसरा चक्रा पे जो हम काम करते हैं वो है विशुद्धि चक्रा, जिस इन चक्रास के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं इस तरीके से, ओपन करें अपने चेस्ट को, आंखें बंद कर लें और 5 बार डीप ब्रीदिंग करनी है और अपना सर जो है सीलिंग की तरफ करके अच्छे से डीप ब्रीदिंग करें। आंखें बंद, सांस अंदर, पांच बार करना है, फिर से सांस अंदर, चौथी बार, और हल्के से आ जाएं वापस। तो जैसे मैंने आपको एक बार करके दिखाया इसी तरह आपको 2 बार और रिपीट करना है। तो 3 बार हम करेंगे सारे आसन। दूसरा आसन हम करेंगे स्नेक पोज यानी कि सर्प आसन, जिसके लिए हम पेट के बल लेटेंगे। तो किस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से आप आके पेट के बल लेट जाएंगे। ये देखिए, सामने अपना चेहरा रखेंगे। तो जो भुजंग आसन होता है उसमें हम हाथों का सहारा लेते हैं, लेकिन स्नेक पोज में जो दोनों हाथ हैं वो पीछे रहेंगे ये देखिए, और जो उंगलियां हैं उनको इंटरलॉक कर लें अच्छे से। एक और चीज, अगर आपको यहाँ पे पेन होता है तो आप एक छोटा टॉवल या एक तकिया रख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा आराम रहेगा। दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे करें, पूरा सीधा करें पहले इस तरीके से, पैरों को जुड़ा रखेंगे एकदम, और देखिए जो उंगलियां हैं कैसे मैंने टाइट और एक्टिवेट की हुई हैं, सामने देखें। और अब सांस भरें और ऊपर अपना शरीर उठाएंगे। यहां पे सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहें और कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, और फिर उसके बाद इस तरीके से धीरे धीरे नीचे आ जाएं। 2 बार और करते हैं, एक और बार सांस भर के ऊपर, धीरे सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाएं, और इसके बाद हाथों को ले आए वापस और पीठ के बल लेट जाएं। तीसरा आसन जो हम करेंगे वो है सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज। दोनों पैरों को ले आए पास में और अपनी बीच वाली उंगली से एक बार अपनी एड़ी को टच करके देखें। दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर गैप होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होगा या बिल्कुल चिपके हुए नहीं होंगे। अपना कंधा देखें और उसके बाद अपनी जांघ देखें, दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस, और दोनों हाथों को यहाँ पे रख लें। अब क्या करेंगे, सांस भरेंगे और ऊपर ले जाएंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। जितनी देर होल्ड करेंगे उतनी देर नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, सांस बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो कैसे किया, यहाँ पे रुक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर सांस भरें और छोड़ते हुए हल्के हल्के अपने हिप्स को नीचे लेके आए। 2 बार और करते हैं। एक और तरीका बता देती हूँ जिस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस बार सांस भरेंगे, हिप ऊपर लेके जाएंगे, दोनों उंगलियों को इंटरलॉक किया और इस तरीके से और हिप को ऊपर लेके गए, इससे और ज़्यादा आपका
डीप स्ट्रेच आता है, ऊपर लेके गए, यस। अब यहाँ पे होल्ड करें, सांस लेते रहें, एक दो तीन चार और पांच, सांस भरें और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप को नीचे लेके आए, उंगलियों को खोल दें। दो बार हुआ, एक और बार कर लेते हैं, हिप ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, एक दो तीन चार पांच, सांस भरें और छोड़ते हुए हिप को ले आए नीचे। इसके बाद अपने राइट साइड से करवट लें और उठ के बैठ जाएं। तो ये जो तीन आसन मैंने आपको कराए हैं ये आपको करने हैं, और चार प्राणायाम जो मैं आपको अब कराऊंगी वो आपको करने हैं। अगर आप आसन नहीं भी कर सकते हैं तो ये प्राणायाम और क्रियाएं आपको ज़रूर करनी है। हम एक मुद्रा भी सीखेंगे जो अस्थमा के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम क्रिया से शुरू करते हैं, कपालभाति से, जिसके लिए आप सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप वज्रासन में बैठना चाहते हैं तो उसमें बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठना चाहें वैसे भी बैठ सकते हैं, बस अपने कंधे और गर्दन सीधी रखनी है आपको। मुद्रा मैं आपको बताती हूँ, आज हम सीखेंगे भ्रमर मुद्रा, बहुत ही अच्छी मुद्रा है। अगर आपको कफ कंजेशन या आपके अस्थमा या जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है उसके लिए, तो इस मुद्रा को हम कैसे करेंगे ये देखिए। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ये जो सबसे पहली वाली फिंगर है, इसको करेंगे आप इस तरीके से रोल रोल करके। हम अपने देखिए अंगूठा जहाँ पे ख़त्म होता है उस पॉइंट पे इसको हम रोल करके रखेंगे, और इसके बाद जो मिडिल फिंगर है उसको हम लोग अंगूठे से इस तरीके से टच करेंगे। और अब आप ये देखिए टच करने के तरीके में ध्यान क्या रखना है कि जो मिडिल फिंगर का जो नाखून है उसके साइड में इस तरीके से रहेगा। आप देख लीजिए एक बार मेरे इस हाथ को, ठीक है, इस तरीके से टच करेगा। और इसके बाद आपकी जो रिंग फिंगर है और सबसे छोटी वाली जो उंगली है वो एकदम सीधी रहेगी, तो आपको ये मुद्रा इस तरीके से दिखाई देगी। सेम मुद्रा आपको दूसरे हाथ में भी बनानी है, ठीक है, इस तरीके से, और फिर उंगलियों को कर दे सीधा। आपको इस तरीके से एकदम सीधा और सक्रिय रखना है दोनों हाथों को, और इस तरीके से आप प्लेस करेंगे, कंधा एकदम सीधा करेंगे और आंख बंद करके आराम से आपको कपालभाति करना है, कम से कम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट। कपालभाति अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितना आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आपको बहुत ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट्स आप डेली करेंगे उतना ही अच्छा है। फ़ोन में अलार्म लगाइए और साथ में कीजिए, मैं अभी आपको सिर्फ 20 स्ट्रोक्स करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप अपने पाम्स रखिए, आंखों को बंद रखिए, रिलैक्स हो जाइए एकदम, उंगली एकदम सीधी, मुद्रा पे पूरा ध्यान दीजिए। तो 10 से 15 मिनट ये मुद्रा भी हमारी बनी रहेगी जो अस्थमा में हेल्प करेगी, और साथ में करेंगे कपालभाति। जैसे ही आपके 10 से 15 मिनट कंप्लीट हों, हाथों को रिलैक्स करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें, फिर एक लंबी सांस भरें। और अब हम करेंगे दूसरा प्राणायाम शुरू। तो हमने पहले एक क्रिया कर ली कपालभाति, इसके साथ मुद्रा बनाएंगे। दूसरा हम प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है नाड़ी शोधन। इसके कई सारे वेरिएशन हैं, हम सबसे ईजी वाला करेंगे जिससे हमारा जो नाक, साइनस और जो एलर्जीज हैं वो कम होंगी। तो वो कैसे करेंगे हम, इससे बनाएंगे वायु मुद्रा। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड किया, ये मैं हमेशा बनाती हूँ। और दूसरे हाथ से आपको सेम अपनी भ्रमर मुद्रा बना के रखनी है। तो लेफ्ट वाले हाथ को रख दिया यहाँ पे, कंधे गर्दन सीधे। और किस तरीके से करेंगे नाड़ी शोधन, आपको सबसे पहले लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से 5 बार सांस अंदर और बाहर करना है, 5 बार। 5 बार करने के बाद आप क्या करेंगे, सेम चीज़ आप राइट साइड से करेंगे। और आपको कितनी बार करना है ऐसा, आपको करना है कम से कम 7 बार, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे और ये देखिए मिडिल फिंगर और जो साइड वाली फिंगर है उससे हम अपना लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को। तो अभी हम सबसे पहले अपनी सीधी वाली नॉस्ट्रिल को बंद करके रखते हैं, इसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर
और लेफ्ट से ही बाहर। चार बार और करना है, फिर अंदर और फिर बाहर। तीसरी बार फिर सांस अंदर और बाहर। चौथी बार पांचवी बार और बाहर। तो करने का क्या सही तरीका है, जितना लंबा सांस अंदर ले रहे हैं उतना ही समय लेके धीरे धीरे बाहर लगाएं। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 5 तक काउंट करें सांस अंदर और 5 तक काउंट करें सांस बाहर। 1:1 का रेशियो हम यहाँ पे रख रहे हैं। सेम चीज़ हम राइट साइड से करेंगे और कितनी बार करेंगे, 7 बार। ठीक है, तो हमने वायु मुद्रा बनाई। अब हम करते हैं सूर्य नाड़ी से शुरू। हमने चंद्र नाड़ी फिनिश की है, दूसरी साइड। ये आपकी नाक भी खोलेगा और आपके अंदर जो ऑक्सीजन, जो ब्लॉकेज, जो म्यूकस की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम होगी। तो अब करते हैं शुरू। सांस लेंगे सबसे पहले दूसरी बार सांस अंदर चार बार हुआ हाथ को ले आए वापस। मुद्रा यहाँ पे खत्म करेंगे, आंखें धीरे से खोलेंगे। एक और चीज कर सकते हैं, तो जैसे हमने ये 5 किया 5 किया 7 बार करेंगे। एक और कर सकते हैं आप इसमें चीज, आप कुंभक भी लगा सकते हैं, ठीक है, पर जरूरी नहीं है। अब तीसरा जो प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम, सबसे इफेक्टिव प्राणायाम। तो आप चाहे कुछ भी ना करें, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप उज्जयी ब्रेथ तो ज़रूर करें। उज्जयी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, इन सब के अलग अलग वीडियोस भी हैं चैनल पे, अगर आपको अच्छे से सीखना है। पर अभी मैं सिखा नहीं रही हूँ, अभी मैं बस ये बता रही हूँ कि आपको अस्थमा में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और कितनी बार करना है, क्योंकि अगर मैं अभी फिर से सिखाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऊपर जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर के आप ये सारे प्राणायाम अच्छे से सीख सकते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम हम कैसे करेंगे, देखिए, उज्जयी प्राणायाम में हमें सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब सांस अंदर लें या बाहर छोड़ें, दोनों ही समय हमारा जो गला है उससे होकर के सांस निकलती है, ठीक है। और जब आप सांस को छोड़ेंगे वो निकलती है आपकी चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से, और इसमें हम एक बंद भी लगाते हैं जिसे हम लॉक बोलते हैं, वो हम गले में लगाएंगे। तो मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगी आपको कितनी बार करना है। कम से कम 10 उज्जयी ब्रेथ्स आपको लेनी है, ठीक है, मिनिमम 10 बोल रही हूँ, आप 20-25 भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उज्जयी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उज्जयी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लेट के भी कर सकते हैं, यही एक ऐसा प्राणायाम है जो लेट के भी करना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी आंसर होगा जिन्होंने कई बार मुझे पूछा है कि क्या मैं लेट के प्राणायाम कर लूं? तो आप अगर उज्जयी करना चाहते हैं तो आप लेट के कर सकते हैं, बट बाकी कोई भी प्राणायाम या कपालभाति क्रिया जैसा कोई भी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेट के नहीं करनी है। तो उज्जयी ब्रेथ के लिए आप क्या करेंगे, मुद्रा फिर से भ्रमर मुद्रा ही बना के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अस्थमा के लिए अच्छी है, तो जितना आप बना के रखें उतना अच्छा है। और अब हम करेंगे उज्जयी ब्रेथ। सांस अंदर लेंगे, गले से एकदम फ्रिक्शन होते हुए अंदर जाएगी सांस, सांस अंदर भरें लॉक लगाएं, 1/2 second होल्ड, धीरे से आपका हाथ वापस आ जाएगा। तो ये जो मुद्रा है और ये जो प्राणायाम है ये आपको साथ करना है। कम से कम 10 उज्जयी ब्रेथ करेंगे
और इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो पूरा सेशन ख़त्म हो जाने के बाद अनुलोम विलोम से हम फिनिश करेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है, वायु मुद्रा बनानी है, दूसरे हाथ से हम भ्रमर मुद्रा ही बना के रखेंगे। और क्या करेंगे हम, अनुलोम विलोम हमें कितना करना है, हमें 15 साइकिल एक बार करनी है, फिर गैप लेना है, फिर 15 करनी है और फिर 15 करनी है। तो हमें 15 15 के 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वायु मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, फिर राइट से ही अंदर और लेफ्ट से बाहर। फिर लेफ्ट से अंदर, दूसरी साइकिल शुरू हो रही है, फिर राइट से अंदर और इसके बाद लेफ्ट से बाहर। हाथों को ले आएंगे नीचे वापस, मुद्रा यहाँ पे फिनिश होगी और इसके बाद दोनों हाथ साथ में रख करके एक बार अच्छे से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ को रब करें अपनी आंखों के ऊपर, पीछे गर्दन पे, कंधों पे, बाहों पे, घुटने, और फिर धीरे से अपनी आंख खोल देंगे। तो आप ये सारे प्राणायाम करें और ये आसन करें और फिर उसके बाद मुझे मैसेज करके बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ और आपको अस्थमा में कितना रिलीव हुआ। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, थोड़ा समय लेता है, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और धीरे धीरे आपका सिस्टम काम करेगा। तो चलिए अब हम टिप्स बताते हैं कुछ आपको, जो आपको अस्थमा में मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ परहेज बताऊंगी। अस्थमा ऐसी बीमारी है जिसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वो आपका शुरू होता है अपने घर से। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अस्थमा वालों के लिए होती है वो होती है डस्ट पार्टिकल और जो पोल्यूशन होता है। तो आप अपने घर में, अपने स्पेशली जहाँ सोते हैं, वो रूम को अच्छे से डस्ट करें, वहाँ पे किसी भी तरीके की धूल और वो सब नहीं होना चाहिए। जिस रूम में आप सोते हैं कोशिश करें वहाँ पे कारपेट ना हो, क्योंकि कारपेट में सबसे ज़्यादा जो धूल होती है, जो फंगस होता है, वो लगता है, जो आपको एलर्जी करता है। तो अगर आप कारपेट रखते हैं तो या तो उसको क्लीन रखें, या फिर मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप कारपेट ना रखें। इसके साथ जो जिस तकिए पे आप सोते हैं, हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने तकिए के कवर को चेंज करें। तकिए पे सोते हैं उस पर बहुत धूल आती है, डायरेक्टली आपके नोज़ में जाती है और फिर आपके जो अस्थमा है उसकी सिचुएशन को और ख़राब करती है। साथ में जो आपका बेड होता है, गद्दा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा धूल को एब्जॉर्ब करता है। तो जो गद्दे के कवर आते हैं, मैट्रेस कवर, काफ़ी अच्छे से कवर कर देते हैं, वाटरप्रूफ भी होते हैं, उनको आप हफ्ते में धो भी सकते हो, तो वो आप यूज़ करें। अपने आसपास का वातावरण एकदम क्लीन करें, अपने घर में कॉकरोच, इंसेक्ट, ये जो अलग अलग टाइप के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो ना आने दें, क्योंकि इनके पंखों से कुछ प्रोटीन झड़ते हैं जो अस्थमा में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। साथ में जब आप वॉक पे बाहर जाते हैं, पार्क में या किसी भी जगह बाहर जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करें कि आप आकर के नहा लें, क्योंकि उससे गिरते हैं छोटे छोटे पॉलन और उससे भी आपको अस्थमा की एलर्जी होती है। तो ये चीज़ें हैं अपने घर में ध्यान रखने वाली, जिससे हम अस्थमा से बच सकते हैं। बाहर जाएँ या ट्रैवल करें, बस से, कार से, कहीं भी, तो मास्क ज़रूर पहने। अब तो मैंडेटरी हो गया है, पर अस्थमा वालों के लिए तो एकदम ज़रूरी है कि आपको पहनना ही पहनना है। अगर आपको अटैक आता है रात में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सांस लेने में, तो डीह्यूमिडिफायर ले लें, रात में लगा लें उसको रूम में, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर आपको अटैक फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो अपने खाने में से डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा कम कर दें। डेयरी प्रोडक्ट और भी ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम को इंड्यूस करता है, म्यूकस को और ज़्यादा बढ़ा करके। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो आप अपने खाने में लें, जिससे अस्थमा में आपको आराम मिलेगा। जो घरेलू उपचार हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपके लिए 2 टी हैं जो आप पी सकते हैं। एक तो है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मैं आपको इन्फ्लेमेशन की बात बता रही थी, जो फूल जाते हैं हमारे एयरवेज के पाइप्स, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप
दिन में कोशिश करें कि दो ग्रीन टी ले लें। एक होती है अजवाइन टी, अजवाइन को आप सीधे पानी में बॉईल करें 6 से 7 मिनट, अच्छे से जब खौल जाए उसको छानें और उस टी को छोटे से कप में आप हल्के हल्के सिप करके पिएं। ये आप खाने के बाद ले सकते हैं, तो आपने अपना लंच लिया और एक अजवाइन टी ले ली, या फिर आप इसको सोने से पहले भी ले सकते हैं। तो ग्रीन टी या अजवाइन टी जो आपको अच्छी लगे, पर ये दोनों ही टी आपको अस्थमा में काफ़ी हेल्प करेंगी। साथ में आपको लेना है अपने खाने में बहुत सारा विटामिन ए, तो आपको डेली कम से कम अपने सलाद में 2 से 3 गाजर लेनी है। बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपको अपने खाने में मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड इंक्लूड करना है। वो कहाँ से आएगा? जितनी भी रंग बिरंगी हरी सब्जियाँ हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं सीजनल, वो सारी आप खाएं, ड्राई फ्रूट्स लें, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में ये सब आपको मिलता है। और एक और उपचार है जो आप कर सकते हैं सोने से पहले या जब भी वीकेंड में आपको टाइम मिले, सरसों का जो तेल होता है मस्टर्ड ऑयल, उसको हल्का सा गर्म करें और उसमें डालें कैम्फर, कपूर जो हम बोलते हैं, उसको हल्का सा गर्म होने दें, बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। और जब अच्छे से कैम्फर उसमें घुल जाए, स्पून से उसको मिला लें और उसको अपने चेस्ट पे, गर्दन पे और पीछे बैक पे हल्का सा मसाज करें, और फिर उसके बाद जो कोई कपड़ा या टी शर्ट पहना हुआ है या कोई टॉवल है उससे ढक के थोड़ा सा नींद ले लें, उससे भी आपको जो कंजेशन होती है, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे आराम मिला, या फिर अगर आपको अस्थमा है और आप ऑलरेडी कुछ करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी पढ़ के उससे फ़ायदा उठा पाएँ। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा अस्थमा के ऊपर। कोई भी सवाल है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और फिर आपको मैं दोबारा मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।